Good morning, students. This is online classes conducted by St. James School and College. Today we will discuss second chapter of biology for class 6, the flower. Last video में हम लोगों ने exercise करना start किया था. Question number 3 complete कर रहे थे, जो कि differentiate between the following pairs of terms था. Radical and immune already हम कर चुके हैं. Hilum and micropyle भी हम कर चुके हैं. Next है आपका testa and tegmen. Testa और tegmen के बीच में बार-बार ये वर्ड आया है, it is a seed coat. ठीक है, एक seed coat है, seed की covering है. The seed is protected by a thin outermost coat called testa. एक तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, it is a seed coat. Tegmen क्या है? What is tegmen? Under the testa lies a very thin membrane called the tegmen. Testa के नीचे एक और lining होती है, वो क्या हो जाती है? वो tegmen हो जाती है. तो ये difference हो गया आपके testa और tegmen. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गिव टू फंक्शन ऑफ अ फ्रूट. फ्रूट के कोई दो फंक्शन देने, तो फर्स्ट फंक्शन है फ्रूट इज अ प्रोटेक्टिव केस ऑफ द सीड. ठीक है, सेकंड है फ्रूट इज द टेम्पटेशन टू एनिमल एंड मैन टू ईट इट एंड स्कैटर द सीड्स. ये स्कैटर है, इसको ध्यान से लिखिएगा. स्कैटर मतलब होता है फैलाना. फ्रूट जब हम लोग खाते हैं गिर जाते हैं, तो वो फैल जाता है चारों ओर. नेक्स्ट एंसर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या था? मैथ का कॉलम. आपकी बुक में मैथ का कॉलम दिए हुए हैं, उनके आंसर मैंने सीधे सीधे जो यहाँ पे राइट आंसर्स हैं वो लिखे हुए हैं. रेडिकल, रेडिकल को आप कहाँ ले जाओगे? रूट. आपको पता है रेडिकल आगे जाके क्या फॉर्म करती है? रूट. नेक्स्ट है लिम्यूल. लिम्यूल आगे जाके क्या फॉर्म करता है? शूट. नेक्स्ट है कॉटिलीडर. ये क्या फॉर्म करेगा? स्टोन फूड मटेरियल. टेस्टा को आप ले जाओगे प्रोटेक्शन ऑफ सीड पर. माइक्रोपाइल को आप ले जाओगे एब्जॉर्ब वाटर नीडेड फॉर जर्मिनेशन. तो ये मैच होता कॉलम बहुत ध्यान से देख लो और फिर इसको अपने बुक में मैच करो. ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके बुक में. रेडिकल इमर्जेस आउट ऑफ द सीड अर्लियर देन द न्यूक्लियस. इसके वन एडवांटेज सर्वाइवल. रेडिकल लिम्यूल के पहले क्यों इमर्ज करता है, मतलब निकल आता है, इसका क्या रीजन? रेडिकल, रेडिकल निकलने का क्या मतलब है कि रूट्स ऑफ फॉर्मेशन इम्यून के पहले हो रहा है. रेडिकल्स कम्स आउट ऑफ द सीड अर्लियर देन द मिनरल हैज एडवांटेज एज इट्स गेट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड गिव टू द ग्रोइंग प्लांट. जितनी जल्दी रूट कहते हैं इमर्ज रहेंगी या फिर आ जाएंगी, उतनी जल्दी वो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे. ठीक है, तो आंसर नंबर 6 हो गया आपका. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. ये आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है. फर्स्ट है 7 का ए, सम सीड हैव नो कॉटिलिडन. क्या सीड्स में कॉटिलिडन नहीं होते? ये फॉल्स है. तो 7 का ए हो गया फॉल्स. वॉर्म इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड. वॉर्म गर्मी जरूरी होती है सीड्स के जर्मिनेशन के लिए. यस, टेम्परेचर मैंने बताया था जरूरी होता है. तो ये हो जाएगा सेकेंड वाला आपका ट्रू. ऑल सीड्स हैव टू कॉटिलिडन. सारे सीड्स के पास टू कॉटिलिडन होते हैं? नहीं, कुछ मोनोकॉटिलेडन भी होते हैं. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फॉल्स. ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड. ये हो जाएगा आपका ट्रू. ठीक, ऑक्सीजन जरूरी है जर्मिनेशन के लिए. जब हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस किया था वहां पर पढ़ा था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपको देना है, स्टेट वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. एक फंक्शन बता रहे हैं किसके किसके? रेडिकल के, कॉटिलेडन के, एंडोस्पर्म के और माइक्रोबायल. रेडिकल का फंक्शन इतनी बार आप लोग पढ़ चुके हो, रिपीट हो चुका है, पता होगा. रेडिकल का फंक्शन क्या होता है? फॉर्म्स द रूट. रेडिकल क्या फॉर्म करती है? रूट. नेक्स्ट कॉटिलेडन्स दे कंटेन स्टोन फूड मटेरियल व्हिच इज यूज्ड फॉर सीडिंग फॉर ग्रोथ. कॉटिलेडन का फंक्शन हो गया. एंडोस्पर्म ओवी फॉर्म्स द फ्रूट. एंड माइक्रोपाइल, द माइ